हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब कुछ इन हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड। तो एक्सिस बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड होगा? वो फ्लिपकार्ट का। ये देखिए, ये मेरे पास एक्सिस बैंक का प्रायोरिटी बैंक मतलब प्रायोरिटी अकाउंट है, जो कि मैंने बहुत ज्यादा पैसे देकर इसे खुलवाया था। और मैं जो अभी आपको कार्ड दिखाने वाला हूँ, पहले यार पिछले बार मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, ठीक है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये एक्सिस बैंक का मेरे पास फ्लिपकार्ट कार्ड है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक्जैक्टली इसे कैसे यूज करना है और इसे क्या बेनिफिट है, इसे कैसे अप्लाई करना है। तो सारी की सारी डिटेल आपको मैं इसी वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ फ्लिपकार्ट यानी एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां की आप देख सकते हैं कि ये एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली हमें इसे कैसे अप्लाई करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को ये चाहिए क्यों? अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो 100% श्योर कि या तो आप अमेजन पे जा रहे होंगे या नहीं तो आप फ्लिपकार्ट पे जा रहे होंगे। ये दो प्रोबेबिलिटी है कि आप शॉपिंग इसी से करते होंगे, ठीक है, 90% चांस है। तो अगर 90% चांस है कि आप इसे शॉपिंग करते हो, तो डेफिनेटली अगर आपकी सैलरी थोड़ी मोड़ी अच्छी है, 20,000 अप्रॉक्स है, तो डेफिनेटली आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट थिंग कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल क्या है, 20,000 रुपए तक की सैलरी चाहिए। अगर आपके पास सैलरी नहीं भी है तो पहले से अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करें तो डेफिनेटली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि एग्जैक्टली हमें इसमें क्या बेनिफिट है और इसे हमें क्यों लेना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, फ्लिपकार्ट का कार्ड है और एक्सिस बैंक का है, दोनों एक साथ इतनी बड़ी कंपनी, एक बैंक बहुत बड़ी बैंक है एक्सिस बैंक है, उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट यानी ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी है, तो दोनों का टाई अप है, उसके बाद ही आपको ये कार्ड प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट जो अभी अब अप्लाई करते हैं तो उसके में क्या मिल रहा है, आपको 1,000 रुपए तक का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा, जो कि आपके फ्लिपकार्ट वॉलेट में एड हो जाएगा, कूपन कोड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे अच्छी चीज कि अगर आप फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है, जो कि मैंने अपने अमेजन वाले कार्ड के लिए आप लोगों को बताया था कि अमेजन का जो ICICI कार्ड है तो उसमें कुछ डिफरेंट था कि उसका जो कैशबैक होता था वो आपको अमेजन वॉलेट में मिलता था, ठीक है, बट यहां पे आपको वो फ्लिपकार्ट वॉलेट में नहीं मिलेगा। ये एग्जैक्टली जो भी आपका कैशबैक पॉइंट रिवॉर्ड्स पॉइंट आप जमा कर रहे हैं, जो जमा हो रहा है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट यानी जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है ना, उसी क्रेडिट कार्ड में नेक्स्ट मंथ के जो बिलिंग साइकिल होगी उसमें वो आपका एड हो जाएगा, यानी माइनस। यदि फॉर एग्जाम्पल आपने 1,00,000 का शॉपिंग किया तो 1,00,000 के हिसाब से आपका 5,000 रुपए फ्लिपकार्ट के हिसाब से आपका हो गया, तो नेक्स्ट मंथ की जो आपकी बिलिंग साइकिल आएगी वो 95,000 की आएगी, यानी कि 5,000 रुपीज आपका लेस होकर आएगा, यानी नेक्स्ट के नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में, ठीक है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखा। तो पहला बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे आपको प्रॉपर 5% मिलने वाला है। अदर साइट की अगर बात करते तो आप यहां पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्विगी है, उसके बाद पीवीआर है, उबर है, टाटा स्काई है, 1MG है, क्लियर ट्रिप है, यानी इन सब जगह अगर आप स्वैप करते हैं, परचेज करते हैं, यहां से कुछ भी खाना मंगाते हैं, पीवीआर मूवी देखिए, उबर की मतलब कैब बुक कीजिए, टाटा स्काई रिचार्ज कीजिए, मेडिसिन मंगाइए, ट्रेवल कीजिए, फिर भी आपको 4% हर वक्त मिलने वाला है। तो सबसे अच्छी बात यह हो गई। तीसरी चीज की अगर आप इन सब जगह के अलावा भी कहीं करते तो 1.5% आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन में मिल रहा है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, चार चीज जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप उसे बेनिफिट क्या क्या है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए हमें हमारे पास क्या चाहिए, तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं, आपकी जो मैंने बताया था अप्रॉक्स 15,000 से 20,000 की सैलरी चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 30,000 रुपए का आपका इनकम होना चाहिए, जो कि वो आपके IT रिटर्न देखने के लिए मांगेंगे, ठीक है। अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली जाके एक्सिस बैंक के पोर्टल से भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस की बात करते हैं तो ज्वाइनिंग फीस देखिए, इसके थोड़े से बस यही डिसएडवांटेज मेरे को लगा कि इसकी ज्वाइनिंग फीस 500 रुपीज है, बट अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो ये 500 रुपीज भी कोई बड़ी बात नहीं है। 500 रुपए आपको प्रत्येक साल देना पड़ेगा, प्लस 18% का GST होगा, तो अप्रोक्स 590 रुपए मिलेंगे। साथ में अगर आप 2,00,000 रुपए का शॉपिंग कर लेते हैं एक साल में, तो ये का पूरा 590 रुपए आपका वेव ऑफ हो जाने वाला है। तो मेरे तरफ से अगर देखते हैं अगर एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड सॉरी फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को, तो ये प्रॉपरली आपका सेविंग है, ठीक है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं मतलब इंटरनेशनल नहीं डोमेस्टिक में, तो 4 लॉन्ज भी आपको फ्री मिलता है एयरपोर्ट पे, यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं, इंजॉय 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज विजिट, तो यानी आप लॉन्ज भी आपको मिल रहे हैं। और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स है कि जो 18+ होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड ये वो, बस
ये नॉर्मल जो सब जगह मांगता है यार, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, फीस एंड चार्जेस मैंने बता दिया। एक्सिस बैंक का जो है आपका ₹500 प्लस ₹90, यानी 18% जीएसटी होगा। और आईसीआईसी का जो मैंने पहले बताया था, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, एनुअल चार्ज वो फ्री है। ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया सारा, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है। तो मेरे हिसाब से यार ये कार्ड जो है ना आप लोगों के लिए बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। दोनों कार्ड जो मैंने पहले आईसीआईसी की बताया था उसे भी आप ग्रैब कर लीजिए, और ये एक्सिस वाला इसे भी आप उठा के ले लीजिए। तो ये दोनों कैब दोनों कार्ड को अगर आप रखते हैं तो आप ही के लिए बेनिफिट है, हमारे लिए तो है ही, क्योंकि मैं खुद शॉपिंग करता हूं तो मुझे पता है कि इसमें इतना फायदा है मेरा, ठीक है ना। तो होप सो कि अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो फटाफट में एक लाइक और कमेंट करके बताइए कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए अपने वीडियो के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से इस सब चीजों को अपना, मतलब जो भी ड्रॉबैक है उसे हटा के और कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब भी एक कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।